भाई बताओ मेरा भाई। नाम संजय राय है। मैं एक जने से 9 लाख रुपए लिया था, उन्होंने 26 लाख रुपए ले लेके भी बोल रहे थे पैसे है तुम्हारा, तो भिखार भाई की वजह से मेरा काम सॉल्व होगा। बहुत बहुत शुक्रिया है भिखार भाई को। इसके अंदर पुलिस ने आपको कॉपरेट करी कि नहीं? करे करे, बहुत कॉपरेट, बहुत कॉपरेट पुलिस का बहुत साथ रहा। जी बिल्कुल, पुलिस वाले से भी शुक्रिया चाहते। ये रक्षापुरम संतोष नगर पीएस है, रक्षापुरम में आता रवि साहब है और दूसरे कांस्टेबल वगैरह स्टाफ जितना भी है, रवि साहब का जितना स्टाफ है सारा स्टाफ हमारे को बहुत काम में आया और बहुत मदद करे हमारे को। और हम इस न्यूज के जरिए रवि साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं हम कि हमारे को कोऑपरेट करे और हमारे केस को अंजाम पे लाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम विखार है। 5 तारीख को मैं न्यूज दिया था एक संजय राय के ऊपर, करीब एक संजय राय के ऊपर मैं एक न्यूज दिया था जो कुछ कम 2020 से उन्होंने एक के परेशानी में फंसे हुए थे। 2021 में इनका ने थोड़ी परेशानी आ गई थी, उन्होंने भैंसों के व्यापारी है, 2021 में कुछ परेशानी आने की वजह से, इन्होंने उनका कर्जा नहीं लौटा सके और 2020 से 2024 तक इन्होंने उनका कर्जा देते गए। कुछ कम 9 लाख के उन्होंने 26 लाख दिए थे उनको, देने के बाद उन्होंने असल नहीं देके इंटरेस्ट देते जा रहे थे जो 5 साल में वो 9 लाख का कर्जा इनसे नहीं फिटा। कुछ हालात के मजबूर रह के इन्होंने एक गलत कदम उठाए थे 5 तारीख को, वो कदम की वजह से इनकी जान भी जा सकती थी, इत्तेफाक में देखने के बाद इनको फौरी उस्मानिया हॉस्पिटल ले गया था और आप लोगों के सामने रुजू भी हुआ था। मैं 5 तारीख के दिन रात में 3 बजे रात को कुछ रुजू भी हुआ था। कुछ कम 4-5 दिन इन्हों सीरियस थे संजय राय, बहुत भी तरफ 4-5 दिन सीरियस थे इन्हों और मेरे को मदद मेरे दोस्तों भी करे, और जो हमारे खालिद भाई है, गौस भाई है, जो मेरे साथ रात दिन मेहनत करे, मेहनत करके लोग मेरी कामयाबी को सफल करे। आज आपके सामने 5 तारीख से जो आदमी परेशान था आज उन्हें आपके सामने ठहरा हुआ है और मैं जो मुनीर साहब जो थे उनसे बात करके इनका 9 लाख रुपए कर्जा माफ करा दिया। मुनीर साहब जो उनको कर्जा दिए हुए थे जी, इनका पूरा कर्जा खत्म करा दिया और इस पे मेंशन करवा भी दिया मैं कि यहाँ पे पेज नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इन्होंने 9 लाख रुपए कर्जा दे चुके थे क्योंकि इन्होंने 26 लाख रुपए दे चुके हैं इन्होंने, जिसमें से 9 लाख रुपए माइनस होने के बाद बाकी का कर्जा इनके ऊपर जो चढ़ा हुआ था जो इंटरेस्ट में आ जा रहा था वो खत्म कर दिए और सारा चीज माफ हो गई इनकी। ये उसका अग्रीमेंट है। ये आज हमारे सामने एक आदमी एक मुश्किलात का सामना करते हुए आज फिर ठहरा हुआ है, समझे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक दूसरे का हर कोई साथ दिए तो किसी पे परेशानी नहीं आएंगी हमारे पास। लोग अपना अपना रास्ता मत देखिए, थोड़ा गरीबों को भी देख लीजिए, कोई मजबूर आदमियों को भी देख लीजिए, समझे। आप सबसे गुजारिश यही है हमारी कि थोड़ा गरीबों का साथ दीजिए, थोड़ा गरीबों को लेके चलिए। आप अभी आपने जो मैसेज दिया है जी पब्लिक अवेयरनेस के लिए जी, ताकि कई ऐसे लोग हैं शहर हैदराबाद के अंदर जी जो 10% पे कारोबार करते हैं जी, गरीब को नहीं देते, मजलूम को नहीं देते, परेशान आदमी को नहीं देते जी, अपने टके से कारोबार करते हैं। देखिए ये बात कैसी है, हर कोई इंसान जब कर्जा लेता तो उन्हें जब 4% ब्याज, 5% ब्याज, 6% ब्याज, 10% ब्याज नहीं देखता, उन्हें वक्तिया तौर पे जो उसकी मजबूरी रहती उन्हें वही देखता, मगर देने वाला जो रहता उन्हें अपना फायदा देखता। इसमें सामने वाले की जब मजबूरी आती, गर्दन पे तलवार जब चलती तो जब उसको कुछ भी अच्छा ही दिखता, मगर जब फेरता उन्हें फेर नहीं सके। ये संजय राय के वैसा कोई भी कदम उठा लेता आज, ये बोल के नहीं, आज कितने की लोग अपने माशरे में है जो
ये कदम उठा के कोई बच गए और कोई मर गए, हर एक कोई नहीं बचा। इनका वक्तिया तौर पे ट्रीटमेंट करने की वजह से आज इन्हों अपने बीच में ठहरे हुए हैं, समझे। और कितने की लोग ऐसे हैं जो उनको वक्तिया तौर पे मदद नहीं मिली, नहीं मिलने की वजह से आज वो दुनिया में नहीं रहे। आज मैं सब आपके प्रेस रिपोर्टरों से गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़रा मेरे न्यूज़ को थोड़ा आगे वाले लोगों तक, जो मजबूर लोग हैं उन लोगों तक पहुँचाइए। सर एक सवाल है आपसे। जी बोलिए। सर ये आप संजय राय की तो आपने मदद की है, जान भी बचाए, उनका कर्जा भी माफ करे। जी तो संजय राय जैसे और भी दूसरे भाई है, किसी को भी बोलो मैं, किसी को भी अगर कोई भी परेशान हाल में है, मैं आज सबके सामने ठहर के बोल रहा हूँ, कोई भी परेशान हाल में है तो आप मेरे से रब पैदा करिए। मेरा नंबर आपको दे रहा हूँ 8309968423। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नंबर 8309968423। आप मैं यहाँ ईदी बाजार के रहने वाला हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद विखार हुसैन है। किसी को भी परेशानी आए तो ये मेरे नंबर पर आप कर सकते हैं। संतोष, ये ईदी बाजार में आइए, आप ईदी बाजार में आके कॉल करके मिल सकते हैं आप बराबर। कोई भी मिल सकता, कोई भी हिंदू रहें दो, मुसलमान रहें दो, सिख रहें दो, ईसाई रहें दो, कोई भी रहें दो, जो परेशान हाल रहेंगे बराबर उसके साथ हम ठहरेंगे, उसको कॉपरेट करेंगे, उसकी परेशानियों को दूर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे यही दुआ है हमारी। Yeah.